नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ नेशन। तो देखिए, बड़ी खबर यहाँ पे पश्चिम बंगाल से आ रही है। ममता बनर्जी के लिए ये बुरी खबर है। जी हाँ, ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से फटकार लगी है और हो सकता है कि देखिए जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्यों हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पूरी खबर ये है कि यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी के नेताओं को लगातार ईडी देकर तलब कर रही है। दो नेता उनके गिरफ्तार हो चुके हैं, पार्थ चटर्जी और प्रणब मुखर्जी। और यहाँ पे आप देख रहे ही होगा कि ममता बनर्जी की गिरफ्तारी कब होती है। बहरहाल देखिए, खबर ये है कि यहाँ पे हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने ममता बनर्जी को यहाँ पे सरासर फटकार लगा दिया है। उन्होंने बोला है कि पश्चिम बंगाल में अगर कोई कैंडिडेट है, या तो वो अगर नौकरी कर रहा है, शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहा है, या कोई प्रोफेसर है, क्या कोई शिक्षक है, और या फिर वो नौकरी लेना चाहता है, तो वो कोई भी अगर उसके पास पैसे ना हो तो वो ना तो नौकरी लग सकता है और ना ही अपनी नौकरी को कंटिन्यू कर सकता है। एक केस में सुनवाई के वक्त ये जो पूरी टिप्पणी थी जो हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने करी थी, तो ये पूरी जब वहां पे चल रही थी, एक केस चल रहा था वहां पे, और टीएमसी के खिलाफ, यानी कि जो टीएमसी के जो नेता थे, उस वक्त के शिक्षक जो नेता थे, तो वहां उनके खिलाफ देखिए एक केस चल रहा था। तो अब देखिए कि यहाँ पे ममता बनर्जी की जो पूरी टीएमसी सदमे में आ गई है उससे, और हो सकता है कि टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी इससे हो सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट भी देखिए अब ममता के खिलाफ देखिए एक्शन ले सकता है कोई ना कोई। यहाँ पे देखिए ईडी और सरकार तो देखिए यहाँ पे एक्शन ले रही है, लेकिन अब इसमें हाईकोर्ट भी देखिए बीच में कूद पड़ा। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ममता के राज में यहाँ पे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है पूरा, और यहाँ पे बिना पैसों का कोई काम नहीं चलता, यानी कि बिना पैसों के आप एक पेंसिल भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे हाईकोर्ट के जो जस्टिस है अभिजीत गंगोपाध्याय ने यहाँ पे सरासर ममता बनर्जी के आड़ हाथों ले लिया है। अब देखना यह होगा कि टीएमसी इस पे क्या रुख अपना अपनाती है। बहरहाल देखिए, ममता बनर्जी हर तरफ से घिर चुकी है। यहाँ पे देखिए ईडी उनके पीछे हाथ धो के बैठ गई है, और यहाँ पे देखिए कि जो ईडी है, माफ कीजिएगा, जो यहाँ पे सरकार है, मोदी सरकार है, वो भी लगातार अपनी जो जांच एजेंसी उनके पीछे लगा रही है। जो उनके नेता है वो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त होते आए थे, और उनका जो भ्रष्टाचार है वो लगातार खुलता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ममता बनर्जी कब गिरफ्तार होती है और क्या उनकी पार्टी जो है डिसॉल्व हो जाती है। क्योंकि अगर बीजेपी की माने तो बीजेपी ने दावा ये कर दिया है कि जो ममता बनर्जी की सरकार है वो दिसंबर तक गिर जाएगी और बीजेपी जनवरी तक देखिए वहां पर सरकार बना लेगी। अब देखना ये होगा कि कब ममता बनर्जी की सरकार गिरेगी, कब वो गिरफ्तार होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ममता बनर्जी सच में गिरफ्तार हो सकती है, क्या बीजेपी के पास ऐसा कुछ फॉर्मूला है जिससे वो उनकी सरकार गिरा सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज़ स्टेशन।